दोस्तों, नए दिन के साथ नया वीडियो भी शुरू हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। और अभी आप देख रहे हैं मैं हूँ ऋषिकेश में, और यहाँ पे शिवरात्रि के दौरान 4-5 दिन का मेला लगता है, तो उसी मेले को देखने हम जा रहे हैं। और ये लग रहा बहुत भयंकर जाम, यहाँ से निकलने में जैसे वैसे तो 20 मिनट का रास्ता है ना, पर ऐसे मुझे लगता है 1 घंटा भी लग सकता है वहाँ पहुँचने में। वीडियो में जहाँ से शुरू कर रहा हूँ वो है ऋषिकेश नेपाली फार्म, ये मार्केट नेपाली फार्म का है, और यहाँ से हमें जाना है IDPL, वहाँ पे मेला लगा हुआ है IDPL वीरभद्र में। शिवरात्रि के दौरान यहाँ पे मेला लगता है, बहुत ही भयंकर मेला लगता है। तो लॉकडाउन के बाद तो मेले वेले देखना तो सपने में देखने वाली बात हो गई है। तो चलिए आज आप लोगों को मेला घुमाता हूँ। ये पहली बार है मैं इस मेले में पहली बार जा रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता वहाँ पर क्या क्या है, तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाते रहूँगा। तो वीडियो में बने रहिए, आई होप बहुत मज़ा आने वाला है मुझे भी और आप लोगों को भी। जहाँ के लिए हम लोग निकले थे वहाँ पे पहुँच ही गए हैं। ये IDPL का बोर्ड देख रहे होंगे आप राइट साइड में, यहाँ से हमें राइट मोड़ करके अंदर जाना है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर और अंदर है तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो ये जैसे जैसे मेले की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे स्टॉल और भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। शायद हम मेले में पहुँच ही गए हैं क्योंकि ये दुकानें देख रहे होंगे आप दोनों तरफ कितनी भीड़ भाड़ है, और बहुत सारी दुकानें लगी हैं, ये ढाबे खुले हुए हैं और कपड़े की दुकानें लगी हुई हैं, बहुत सारे स्टॉल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भीड़ देख के लग रहा है कि लोगों में कितना एक्साइटमेंट है मेले घूमने को लेकर, तो इस चीज़ को देख के लगता है अब लगभग हालत सब नॉर्मल हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है। एक इस तरफ देखिए कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं बहुत सारी, कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, हर दुकान पर कोई ना कोई ख़रीदारी कर ही रहा है। सामने लगी है बड़ी वाली चरखी, हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में चरखी बोलते हैं इसे, अब और दूसरा इसका नाम मुझे भी नहीं पता है। और ये ड्रैगन की सवारी कर रहे हैं, ये छोटा वाला ड्रैगन है और ये लेफ्ट साइड में देखिए बहुत बड़ा वाला है, तो इसमें बहुत मज़ा आता है, मेरा फेवरेट है ये। और इधर बच्चे काफ़ी खुश होकर अपनी गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, बहुत तेज तेजी घूम रहा है। तरफ कुछ लोग चिड़िया पे बैठ के उड़ रहे हैं, गोल गोल उड़ रहे हैं इधर को। ये दूसरी वाली चरखी लगी है, ये तिरछी घूमती है और बहुत तेज घूमती है, इसमें डर लगता है बहुत ज्यादा। एक बार मैं बैठा था पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। पूरा मेला दिख तो नहीं रहा पर लेकिन अंदाज़ा लग रहा है कि कितना क्राउड मेले में है। तो जितने भी इधर गलियां हैं ये सारी ऐसी खचाखच भरी हैं लोगों से, तो लगभग हज़ारों की संख्या में लोग आ रखे हैं। हम लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं ड्रैगन में बैठने के लिए, ये अभी जब रुक जाएगा तो इसके बाद हमारा नंबर आने वाला है। और इसमें बैठ के जो भी लोग बैठ रखे हैं उनके चेहरे देख के तो ऐसे लग रहा है कि वहाँ पर बहुत हालत ख़राब हो रही है डर के हमारे, सब लोग सहमे हो रखे हैं। तो हम लोग भी फाइनली बैठ गए हैं, पहले तो टिकट नहीं मिल रहा था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट के लिए, और मैं बैठा हूँ सबसे ऊपर वाली जगह पे जो इसका दूसरे साइड का मुंह है उस तरफ बैठा हूँ, यहाँ से सीधा सर नीचे और पैर ऊपर हो रहा है, तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। मेरे हाथ में फ़ोन भी है, ऐसा लग रहा है फ़ोन छूट जाएगा। मज़ा तो बहुत आया पर साथ में डर भी बहुत लगा। और अब यह है यहाँ का स्पेशल गोटा, गला भी सूख गया है बहुत,
अंकल के पास बहुत प्यारी प्यारी घड़ियाँ हैं, और इस तरफ बच्चों के खिलौने हैं बहुत सारे, बहुत सारी दुकानें हैं खिलौनों की, ये आप देख ही होंगे। और ये गर्ल्स के इयर रिंग्स देखिए कितने प्यारे प्यारे से हैं, अलग अलग डिज़ाइन है, बहुत यूनिक यूनिक से पीसेस हैं। तो अब मेला तो हमने काफ़ी घूम लिया, फिर भूख भी लग गई है, पहले कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे ढाबा है बहुत अच्छा, इस ढाबे में बैठ के हम खाना खाएंगे। इसने तो ऑर्डर किया था तो वो खा भी लिया, मेरा भी आया ही नहीं है, इंतज़ार कर रहा हूँ तब से, पता नहीं कितनी देर में आता है। काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिर आ गया, छोले भटूरे मैंने ऑर्डर किए थे तो आ गया है, फटाफट खा लेता हूँ, अभी मेला बहुत है घूमने के लिए। तो अब खाना भी खा लिया है, फिर वापस घूमते हैं। ये मास्क देखो कितने डरावने डरावने से हैं, भूत वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पे मिल रहे हैं पकौड़े, सादे वाले भी और भांग वाले भी दोनों। ये गॉगल्स देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं, सन ग्लास, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सन ग्लासेस हैं, बहुत ही यूनिक यूनिक डिज़ाइन है। और इधर फुटवेयर गर्ल्स के, और हैंडबैग, पर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, सामान काफ़ी अच्छा है। और लोग देख रहे होंगे अभी भी आ ही रहे हैं, शाम का टाइम होने वाला है पर लोग अभी भी आ ही रहे हैं, भीड़ भाड़ मार्केट में बनी है। तो इस तरफ किचन का सामान बहुत सारा है, कप प्लेट्स बॉटल मग आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छा अच्छा सामान है। हम अब धीरे धीरे घर की तरफ निकल रहे हैं, मेले से काफ़ी बाहर आ गए आप, अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि मेला भी काफ़ी घूम लिया है, शाम का टाइम अभी हो गया है, वो देख रहे होंगे आप सनसेट होने वाला है। तो अब चलते हैं घर। ये मेला था ऋषिकेश IDPL वीरभद्र में, शिवरात्रि के टाइम पे 4-5 दिन का मेला लगता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।